हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक मिक्सी आई है महाराजा की रिपेयर होने के लिए। इसका जो ऊपर वाला कपलर है ये टूटा हुआ है, तो ये हम चेंज करने वाले हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हो वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों इसमें तीन स्क्रू लगे हुए आते हैं, इन तीनों स्क्रू को खोलना होता है। साथ में भी इसके स्क्रू आते हैं, वो अगर ये लगाना चाहते हो ये लगा सकते हो, और पुराने वाले लगाना चाहो तो पुराने। ये घिसने की वजह से ऊपर वाला जो जार वाला कपलर वो भी घिस जाता है और ये भी घिस जाता है, तो हम इसे चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों इसे पहले खोल लेना है इस तरीके से, हमने स्क्रू खोल दिया ऑलरेडी, और इस तरीके से खोल लेना है, और दूसरा वाला इसी तरीके से वापस रख लेना है, और ये स्क्रू कस लेना है। तो हम इस तरीके से रख रहे हैं इसे। दोस्तों ये अगर ख़राब हो जाता है तो आपका जार का जो नीचे वाला कपड़ा आता है वो भी ख़राब होता है बार बार, और साथ ही इसका जो साइड वाला जो एक लॉक आता है वो भी टूट जाता है, तो ये समस्या बनी रहती है। तो इस तरीके से हमने कस लिया है, फिटिंग कर लिया है। अब हम इसमें जार लगा के देखने वाले हैं किस तरह से जार लगने वाला है, ताकि फिटिंग होता है या नहीं होता। देखिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा घिसी हुई थी, इस वजह से इसकी जार भी ख़राब हो रहे थे कपलर के जार का, और ये भी ख़राब हो गया है। तो हम अब चेक कर लेते हैं, इसे लगा लेते हैं पावर प्लग में, और ये देख सकते हो दोस्तों कंप्लीट चालू है मिक्सी। मिक्सी में कोई समस्या नहीं थी, बस ये जार वाली ही समस्या थी इसमें कपलर वाली। ये इसका जार है, जार बिल्कुल टूट चुका है। हम इस जार की जगह नया जार लगाने वाले हैं। इसे रिपेयर करने में कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है, तो हम इसकी जगह नया लगाने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट अंदर से टूटा हुआ है, इसका जो घुस वगैरह है वो टूटे हुए हैं, तो ये कंप्लीट है। अब हम इसमें लगाते हैं नया जार, फिर चला के देखते हैं किस तरह चलने वाला है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हो और मेरी दी जानकारी अगर आपको सही लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक लाइक कर देना, ताकि मैं आगे काम कर सकूँ और आपका सहयोग मेरे को मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।